हाँ अभी हम लोग का काम चल रहा है सीज़न 3 के लिए सत्यम जयते के जो सीज़न 3 में एपिसोड्स होंगे उसके टॉपिक्स पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस वक्त और काफ़ी अच्छा जा रहा है रिसर्च. एक्चुअली मुझे कुछ 20-25 साल हो गए मैं अवार्ड फंक्शन में गया नहीं तो मैं देखता हूँ अभी क्या होने वाला है. अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि टेलीविज़न का जो माध्यम है वो बहुत ही ताकतवर माध्यम है. हर घर में टीवी होता है और ख़ासतौर से मेरे लिए ये बहुत अहम है क्योंकि हम लोग ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जैसी जो फिल्में मैं करता हूँ उसमें तो मैं मनोरंजन होता है धूम 3 जैसी फिल्म है उसमें एंटरटेनमेंट है लेकिन टीवी के ज़रिए मैं इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं सोशल मैसेजेस दे सकूँ मुद्दे उठा सकूँ जिससे हम सबको थोड़ी जानकारी मिले उसके बारे में और हम एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ें. हाँ मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है. आई थिंक सत्यमेव जयते एक ऐसा शो है जो ना सिर्फ टीवी को बदला है हम सबको एक मौका देता है टू लुक एट आवर सेल्व्स टू लुक एट व्हाट वी कैन डू एज पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो मुझे ये शो बहुत ही पसंद है. इट्स इम्पैक्टेड मी अ लॉट पर्सनली एंड रियली हैप्पी दैट वी टू बी पार्ट ऑफ इट. रेड कार्पेट नहीं है हर जगह. एक्चुअली आप लोगों को रेड कार्पेट का जमाना गया आजकल गोल्ड कार्पेट सिल्वर कार्पेट यही होता है ना. और लेकिन आपको भी नहीं पता बाय द वे कि ये सिल्वर कार्पेट नहीं इसे कूल कार्पेट कहते हैं. तो हाँ ये हमारे स्टार परिवार का स्टार प्लस का कूल कार्पेट है. इट्स प्रीटी कूल. ये आपको नए लुक में लग रही है. जरा एक बार फ्लैशबैक कीजिए. आपको पूर्वी नजर नहीं आ रही. आज मैं इसको स्पेशली पूर्वी बनाकर लाया हूँ क्योंकि इतने समय से लोगों ने इसको यू नो मिस कर रहे हैं हमें एक साथ. और मैं अर्जुन बनकर आया हूँ अगर आप देखेंगे तो 3-piece सूट में. और मैडम आज पूर्वी बन के आई है. सो ये लगेगा नहीं बिकॉज स्टार का है बट आप लोग तो लगा ही सकते हैं इसीलिए आपके पास. वो एक्चुअली इनको लगा कि कार्पेट इतना कूल है तो मैं कूल क्यों नहीं बन के जाऊँ. तो कैसे वाना बी कूल. मैं इसे ये मुझे काफी कूल नहीं हम यो थोड़ा चेंज है थोड़ा नया है स्टार परिवार अवार्ड्स के लिए. इनफैक्ट मैं पहली बार आया हूँ एंड आई गेस आई एम नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एंकर अवार्ड. सो फॉर अ चेंज इस बार थोड़ा नॉमिनेशन के लिए काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि आई गॉट नॉमिनेटेड. सो आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. क्या कहना चाहूँगी, मैं स्टार परिवार का हिस्सा बहुत सालों से हूँ और स्टार परिवार में पूरे परिवार ने मुझे छोटी से बड़ी होते हुए देखा है. तो घर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कम बैक होम. एंड आई रिमेम्बर जब पहला स्टार परिवार हुआ था तब भी मैं थी और इंशाल्लाह जब तक स्टार परिवार चलता रहेगा तब तक मैं रहूँ. वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी नर्वस क्योंकि बहुत सारे अच्छे कंटेंडर्स हैं और जस्ट होप एंड प्रे कि हूएवर मे द बेस्ट मैन. वेरी गुड. हमारे पैर हम ऐसे जंप करते आ रहे थे बिकॉज इतना ठंड है नीचे. इट्स सो कूल सो वी हैड टू जंप एंड क्रॉस द कार्पेट. बट इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट. रेड कार्पेट तो हमेशा होता है पर कूल कार्पेट सिल्वर कार्पेट इज अनयूजुअल. और आई थिंक ओनली स्टार प्लस कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस बिकॉज दे आर द बेस्ट. सोच नहीं, हमेशा सोच नहीं लेकर आते. सब बोल रहे हैं आप कूल, दोनों कूल लग रहे हैं. वैसे मैं कूल लग रहा हूँ पर ये हॉट लग रही है. आई थिंक शी इज़ लुकिंग स्टनिंग. जब वो रेडी होकर आई थी सामने तो मैं देखते रह गया था. शी लुक लाइक एन इजिप्शियन क्वीन. सो आई सेड दिस इज़ द परफेक्ट आउटफिट फॉर यू टू वेयर. वेल क्या कहूँ, आई जस्ट से कि सरस्वती चंद्र जो मेरा शो है, मेरा पहला टेलीविजन टीवी सीरियल है. और मैं यही कहूँगी कि जो मेरी कुछ टोटल रीजनल एंड हिंदी फिल्में मिला के जो टोटल 30 फिल्म्स है उसमें मुझे इतना प्यार नहीं मिला है, ऑडियंस से उतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे इस सीरियल की वजह से मिला है. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सरस्वती चंद्र. सो ऑब्वियसली मैं स्टार प्लस को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरी पूरी टीम फ्रॉम सरस्वती चंद्र एंड द कास्टिंग एवरी वन फ्रॉम सरस्वती चंद्र एंड स्टार प्लस, थैंक यू सो मच. जी हाँ, नॉमिनेशन में हमारे जो स्टाइलिश मेल है हमारा सरस nominated hai. So I hope he gets the nomination and well he's nominated, I hope he wins because I think he's really stylish and he deserves it. Bahut
मजा आ रहा है, बहुत कूल फील कर रहे हैं, बहुत कूल फील कर रहे हैं हम लोग। नहीं हम कूल हैं, हमें कूल फील करने की जरूरत नहीं। हाँ वो भी है, वेरी नेचुरली वी आर कूल, सो मुंबई की गर्मी में भी, ह्यूमिडिटी में भी हम इतना कूल फील कर रहे हैं। So it was very nice for him to say that as he's connected to the show in a very different way, connected to the channel in a very different ways, Satyameva Jayate, and there's a big, great job he's doing. So he spoke about it and that was a big moment for me. This time, एक तो बहुत time था ready होने के लिए for a change, no shoot. So I wanted to go a little crazy, a little different. Poonam को तो लोगों ने देखा है, लेकिन इशिता को लोगों ने बहुत कम देखा है. So today I've come as इशिता and Poonam of course. I'm wearing a Gavin gown and hair. I just wanted to do different. So that's it. भी दूंगा कि Poonam से किरदार के Poonam के किरदार से हट के आज और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं. आकाश को तो पूनम हमेशा अच्छी लगती थी, बट आज राहुल को इशिता और भी अच्छी लग रही है. और इतने ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट दे चुका हूँ कि अभी मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तारीफ करूँगा तो थोड़ी फेक हो जाएगी. यार अपने आप को ही करने आऊँ, चार नॉमिनेशन है तो अपने आप को ही चेयर कर लूँगा तो बहुत बड़ी बात है.